मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम से सुफियान मुंबई पुलिस को सलाम में सुबह स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाइकल लके एमएलए यामिनी जाधव से। मैडम आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप लोगों ने काम किया उस बारे में? सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिन है तो उसकी सबको शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हुआ इसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगी और मेरी बहनें भी बहुत टाइम से रुकी थी उनसे भी माफ़ी चाहूँगी। और अच्छा है, अच्छी काम की शुरुआत हो गई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस सबका श्रेय मेरे भाई ये जो खड़े हैं सब इनको देना चाहूँगी ज़रूर। और मैडम जैसे कि अभी आप जब से आए हो और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिली इस बार, इससे और ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। ये कुछ नहीं है, ये तो दरिया में से एक बूंद लेने के बराबर है। हम और आगे कोशिश करेंगे कि ये रोज़गार बढ़े और सबको मिले। ओके मैडम, और आप मेरे न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मरीन न्यूज़ चैनल के बारे में? मरीन न्यूज़ चैनल अगर लोकल है तो लोकल होना चाहिए, लोकल न्यूज़ चैनल भी होनी चाहिए। जैसे बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं वो बड़ी जो खबरें होती है उनको कवर करते हैं, लेकिन लोकल पे जो भी अच्छी कामें होते हैं वो आप लोग ही कवर करते हैं और मैं आपको बहुत सैल्यूट करती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिनका काम है वही है। हेलो अजम सुफियान मुंबई पुलिस को सलाम मैं सुई का स्वागत है। आज हम विवेरिया टावर के नीचे आए और यहाँ पे एक फंक्शन रखा गया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफजल खान है, मैं शिव वातुक सेना का विभाग अध्यक्ष हूँ भाई कल्ला विधानसभा से। और अभी हम लोग इधर पे टैक्सी स्टैंड की ओपनिंग करें, इधर लोगों को धंधा करने मिलता नहीं, लोग बिजाई रोजगारी के लिए भटकते रहते इधर उधर, तो इनके लिए एक अच्छे काम के लिए हम लोग यहाँ पे टैक्सी स्टैंड की ओपनिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे यहाँ पे और नायर हॉस्पिटल है, भाईकल्ला केला मार्केट, भाईकल्ला स्टेशन, महालक्ष्मी ब्रिज पे टैक्सी की ओपनिंग है, वकाल हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, टैक्सी टाइम पे उनको मिलती नहीं, जो रास्ते पे टैक्सी चलती है उनको रुकाते टैक्सी के लिए, कोई भाड़े के लिए बोलते तो लोग उनके लिए रुकते नहीं, तो इसके लिए हम लोग ने खास कर यहाँ पे टैक्सी स्टैंड की स्थापना की है। और शिव वातुक सेना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप क्या कहना चाहोगे? और क्या, लोगों को रोज़गार मिल रहा है और हॉस्पिटलों में भी लोगों को दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग इस सब चीज़ के लिए
अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं। और हमारे जो दीपक महेश्वरी साहब थे जिन्होंने शिव वातुक सेना की स्थापना की थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने उन पर बहुत विश्वास करके उनको इस संस्था का एक टीम बनाई थी उन्होंने शिव वातुक सेना। जब हमारी टीम महाराष्ट्र शिव वातुक सेना के नाम पे चली थी, जिनके अध्यक्ष श्री हाजी अरापा शेख थे, उनको हटाने के बाद 6 महीना 10 महीने तक का ये वातुक सेना बंद हो गई थी। फिर उद्धव साहब ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय के तौर पे दीपक महेश्वरी साहब का नाम आया, उससे शिव वातुक सेना का स्थापना की गई। और उनके दीपक महेश्वरी के आशीर्वाद से हम लोग ने शिव वातुक सेना का काम चालू किए। आज हम लोग साल भर से शिव वातुक सेना का काम कर रहे हैं। लोगों को जो भी दिक्कत आती है उस दिक्कत के हॉस्पिटल के काम हो गए, पेशेंट को काम हो गए, जैसा हॉस्पिटल में लोगों का पीएम का होता है उसके भी हम लोग समाज सेवा का भी काम करते हैं। और भाई कल्ला विधानसभा में मैं इधर का विभाग अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अफजल खान है। बाकी सोशल वर्कर का भी मैं काम करता हूँ, जैसा पेशेंट लोगों का काम हुआ, किसी गरीब को अन्याय नहीं होता उसके खिलाफ़ हम लोग लड़ते। हमारे साथ में हमारे शकील भाई, अनवर भाई, उस्मान गायकवाड़, हमजा भाई, इमरान लाला, अशरफ खान, और हमारे अजहर आजम भाई, जलील भाई, अतुल भाई, हमारी पूरी टीम मिलके इस चीज़ के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे हम लोगों हमारी यामिनी मैडम और उनके हस्बैंड श्री यशवंत यादव साहब, उन्होंने यहाँ लोगों के लिए बहुत से अच्छे कामें किए हैं। और एमएलए बनने से पहले यामिनी मैडम ने नगर सेवक थी पहले मझगाँव में, उन्होंने मझगाँव के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कोई मंदिर का काम हुआ है, मस्जिद का काम है, लोगों की गरीबी की जो भी दुख तकलीफ़ होती है, जो परेशान उनको लिए उन्होंने बहुत हेल्प किए। और हमें ऐसा ही एमएलए भाई कल्ला विधानसभा में चाहिए था, और हम लोग की सबकी दुआ कबूल हो गई कि हमारी यामिनी मैडम इधर से एमएलए बन के आके जीत के आ गई। हम इसलिए बहुत खुश हैं, और उसी खुशी के उत्सव में हम लोग ने आज इधर पे टैक्सी स्टैंड का ओपनिंग, वीरविया टावर गेट नंबर 6 के पास हमने टैक्सी की स्टैंड ओपनिंग रखी है। और हमारी मैडम अभी आएगी, इस टैक्सी स्टैंड को ओपनिंग करेगी उनका, और अपने हाथ से रिबिन काटेगी। और क्या कहना चाहोगे? और हमारे इधर के विभाग अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर, वो विभाग प्रमुख विजय कामटे, और विभाग अध्यक्ष विकास संगठन अध्यक्ष हमारे विजय लेपेरे जी, 212 के शाखा अध्यक्ष विनोद सिरके साहब, और बाकी के हमारे जितने भी शिवसैनिक भाई है वसु, और हमारे पहले एमएलए सुनील सिंधिया भी माजी एमएलए है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे। और हमारे शिव वातुक सेना के हमारे सब बड़े बड़े पदाधिकारी उपाध्यक्ष हमारे शकील भाई, साउथ मुंबई के अध्यक्ष हमारे अनवर भाई, और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे हमजा भाई, और हमारे इमरान लाला भाई, अशरफ खान, उस्मान गायकवाड़, और अतुल भाई, हमारे स्टेन अध्यक्ष आजम भाई, और हमारे जलील भाई, हम लोगों ने सब मिल के एक टीम हमारी तैयार हुई है। और ये हमारी टीम पूरे सोशल वर्कर का अभी आगे काम करेगी, लोगों को हक दिलाएगी, उनको कामकाज के लिए जो भी तकलीफ होगी कामकाज हम लोग सब मिल के करेंगे, एक सोशल वर्कर का हम इधर काम करेंगे। और आगे भी हमारी एमएलए से हम लोग ये सब उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा वो काम करे, और लोगों के लिए दिल में ऐसी उतरते और आगे के 5 साल के बाद भी वही जीत के दर पे आए। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे सीएम साहब उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का इतना बड़ा आशीर्वाद था, जिन्होंने आज मराठी मानुस का जो मुद्दा उठाया, आज उन्होंने कभी मुसलमान मराठी और मुसलमान कभी नहीं समझा, उन्होंने हर धर्म को लेकर अपने साथ में लोगों का काम किया। और उनके आशीर्वाद से आज उनके बेटे सीएम बने उद्धव साहब ठाकरे, और उनके पोते आदित्य ठाकरे साहब वो यहाँ के एमएलए बने और कैबिनेट मंत्री बने। उनके सबके आशीर्वाद से हम लोग ने आज यहाँ पे टैक्सी स्टैंड की स्थापना की है। आगे भी ऐसे काम हमारा होते रहे, और मेरे सब भाई लोग मिलजुल के, इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई नहीं है, आज भी एनसीआर का जो भी मुद्दा चल रहा है उसमें हमारे उद्धव साहब सब चीज़ को सब लोगों को लेके चल रहे हैं। आज वो कोई हिंदू मुस्लिम कोई जात धर्म नहीं देख रहे, और एनसीआर के लिए आज वो मुसलमान के सबके विरुद्ध। और सबसे पहली बात तो मैं मुंबई पुलिस को सलाम करता हूँ, सैयद मंजूर शेख हमारे मुंबई पुलिस रिपोर्टर है,
उनको सलाम करता हूँ, चीफ एडिटर और हमारे उद्धव साहब को सलाम करता हूँ। जैसे कि हमारे अफजल भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनकी जबान मुबारक करे, अल्लाह उनको प्रधानमंत्री बनावे, चीफ मिनिस्टर है अभी, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनावे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वो। और अभी चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने ऐसा काम किया है, लोगों को बता दिया कि इसको कहते हैं काम। जैसे पहले के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोग आए, वो लोग ने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम हमारे उद्धव साहब कर रहे हैं। आज क्या है, मुंबई के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, मुंबई में रोजगार नहीं है। ये रोजगार का जो रोजगार जो खुल रहे हैं वो हमारे शिवसेना की वजह से। आज हमारे अफजल भाई ने जो काम चालू किए यहाँ पर, जैसे उन्होंने टैक्सेशन का काम चालू किया, इसमें कितने जनों को रोजगार मिलेगा, कितने जनों के घर के अंदर रोजी मिलेगी, बरकत होगी रोजी में और घर चलेगा किसी का, दुआ मिलेगी। तो सब दुआ पूछेगी किसको, हमारे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव साहब को, ये उनके जरिए सब काम हो रहा है, समझे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम के अंदर एंड तक रहेंगे और ये काम को अल्लाह कामयाब करेगा। मुंबई पुलिस को सलाम।